यहां पे आपको मेलिंग टाइप में दिख रहा है आपको इनवेलप। हेलो अब मेरे स्क्रीन पर डेस्कटॉप पे ध्यान दोगे सब ठीक है। बात करने वाले हैं मेलिंग के बारे में इनवेलप। ओके सर। इसमें देखना है इनवेलप का डिजाइन किस तरह से हम बनाएंगे ताकि लोगों को हम लेटर लिख के लिख सकें और भेज सकें। अगर जिनका मोबाइल पे स्क्रीन छोटा दिख रहा है वो जूम करके बड़ा कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। जिसका भी स्क्रीन अगर छोटा दिख रहा है मोबाइल पे तो रोटेट कर लीजिए। हाँ उससे बड़ा दिखेगा आपको। और जिसके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पे कनेक्ट करो सबसे बेस्ट है। या फिर मोबाइल मोबाइल पे लैपटॉप करो कनेक्ट करो मोबाइल पे और लैपटॉप पे साथ साथ काम करो जैसे मैं बता रहा हूँ। और एक नोटबुक आपके पास होना चाहिए और एक पेन। कुछ सर्टन चीजें मैं बोलता जाऊंगा आप लिखते जाना। ओके जो भी क्लासेस कंडक्ट किया मैंने सबका आज वीडियो डालूंगा ट्राई करूंगा देखूंगा वीडियो जितना फॉर्मेट बचता है रात में। कल आप लोग बैठ के सारे चीजों को देखना पता चलेगा। मैं भी बहुत सारी चीज सीख रहा हूँ इसमें जहाँ कहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा है कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है ठीक है। चलिए मुझे फेस अपना लाना जरूरी है या ठीक है बिना फेस के? हाँ जी बिना फेस के सही है ठीक है। चलो फेस भी ले आया मैं फेस भी ले आया। ओके चलो फेस भी देखो और वो भी देखो ठीक है। लाइट कम है यहाँ पर बट अच्छा देखिएगा डोंट वरी। बात करने वाले हैं इनवेलप के बारे में राइट। अगर मैं इसका वीडियो ऑन करूं कौन सा बेटर लग रहा है? ये वाला बेटर कैमरा लग रहा है या पहले वाला था? ये वाला नहीं लग रहा है सर। अगर सही है सर पहले वाला सही है नहीं यही वाला। चलो आप सही है प्रॉपर यस सर। ओके बहुत बढ़िया। देखो जी यहाँ पर एनवेलप है ठीक है और किस तरह से बनाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पर लिखना है एनवेलप पे जाना है और क्लिक करना है आप सबको। यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है सब अपने अपने माइक को ऑफ कर लो जब जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। अपनी माइक को सब ऑफ कर लो सारे के सारे जितने भी लोग हैं। अंजलि माइक को ऑफ कर लो। बहुत बढ़िया। चलो यहां पे क्या बोल रहा है डिलीवरी एड्रेस और दूसरा है आपका रिटर्न एड्रेस दो चीजें हैं। फैज अपना माइक ऑफ कर लो। ठीक है चलो यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ है पहला डिलीवरी एड्रेस है दूसरा रिटर्न एड्रेस। हाँ जी यहाँ पे दो चीज समझना पड़ेगा पहला डिलीवरी एड्रेस है दूसरा आपका रिटर्न एड्रेस है ठीक है। तो भाई डिलीवरी एड्रेस में क्या लिखेंगे और रिटर्न एड्रेस में क्या लिखना है ये चीज को समझना है। तो यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस में लिखोगे जहां पे आपको लेटर भेजना है। मान लो कि मुझे लेटर भेजना है छतरपाली ब्रांच पे तो मैं यहां लिखूंगा टू करियर कंपेनियन इंस्टीट्यूट ठीक है छतरपुर ब्रांच छतरपुर रगड़ देता बस डेट शीट।
10:19/60 बेसमेंट नियर एमसीडी स्कूल एमसीडी पार्क एंड यूनियन बैंक न्यू दिल्ली 65th रोड। हमने क्या किया यहां पे पूरा का पूरा एक लेटर लिख दिया, वो एड्रेस लिखा जहां पे आपको भेजना है लेटर, राइट। अब दूसरा ऑप्शन आपका यहां पे आ रहा है रिटर्न एड्रेस, है ना, क्या आ रहा है रिटर्न एड्रेस। जिनको भी बीच में कहीं पर भी तकलीफ होगी वो आप क्या करोगे, चैट बॉक्स में जाके लिख दोगे, मुझे दिख जाएगा क्योंकि मेरे सामने लैपटॉप भी चल रहा है मोबाइल भी चल रहा है तो मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है, बस नेटवर्क साथ देना चाहिए। रिटर्न एड्रेस में क्या लिखना है मुझे, यहां पे लिखूंगा जहां से मैं लेटर भेज रहा हूं, सपोज करो मैं यहां से भेज रहा हूं फ्रॉम आयनगर पढ़ा रखता हूं क्या तुझे, नहीं आपका एड्रेस पता है। अच्छा मेरा एड्रेस पता है तुम्हें, यहां लिखूंगा 88 फर्स्ट फ्लोर मेन रोड आयनगर न्यू दिल्ली। हाँ 110047। तो यहां पर दो मैंने एड्रेस लिखा है, राइट। अब कि नहीं भाई साहब को दिक्कत है प्रॉब्लम है तो अभी कमेंट करके या चैट करके मुझे को बताओ, सर ये चीज समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट करूंगा यहीं पे यहीं पे। गौरव एंड अदर्स जितने भी लोग हैं मुझे बताओ यहां पे किसी का प्रॉब्लम है तो। क्लियर सर, क्लियर तुझे क्लियर है ना, बाकी को yes, फैज ऑल क्लियर, स्नेहा ऑल क्लियर, ठीक है, ठीक है, मतलब नेटवर्क सही आ रहा है ना अब नेटवर्क शुरू में दिक्कत क्योंकि यार सुबह से चल रहा था मेरा ना, ब्राउजर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ब्राउजर को भी इंस्टॉल करके इंस्टॉल करना होगा। देखो तीन बटन होगा वहां पर, देखो तीन बटन होगा राइट कॉर्नर पे, देख रहा होगा वाला, वाला, तीन बटन होगा। हाँ जो वॉल्यूम के देखो जो माइक के किनारे में है ना उसको क्लिक करो, हाँ? और ऑप्शन आ जाएगा इन अ कॉल मैसेज स्क्रीन शेयर शो कैप्शन, तो इन अ कॉल मैसेज पे जाके टाइप करोगे तो सब कुछ टाइप हो जाएगा आपका, ठीक है। माइक के जस्ट कॉर्नर में होगा उस पर क्लिक करो तो इन अ कॉल मैसेज लिखाएगा आपको। चलिए ये बताओ यहां तक क्लियर है सबको, यहां पे दिक्कत नहीं है, चलिए चैट बॉक्स सबका देख रहा हूं बहुत अच्छे हैं, बोलने से अच्छा कि आप चैट कर दोगे तो ज्यादा समझ में मुझे आ जाएगा, ठीक है, ओके नाउ। तो यहां पे क्या प्रोसेस करना है, यहां पे कॉपी कलम ले लेना आप लोग, देन यहां पे इनवेलप मैंने लिख दिया जहां पे मुझे भेजना है, तो डिलीवरी एड्रेस वहां का लिखा, फिर रिटर्न एड्रेस लिखा, राइट। अब अगर मेरे पास प्रिंट आउट है, प्रिंटर है, तो मैं यहां पे प्रिंट कर लूंगा, ठीक है। अगर प्रिंटर नहीं है तो क्या करेंगे, ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे, अगर प्रिंटर नहीं है तो ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे। सृष्टि इतना लेट क्यों ज्वाइन हुई बच्चा, सृष्टि सो गई थी क्या, चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। सृष्टि सुन पा रही हो मुझे, सृष्टि अग्रवाल आवाज नहीं आ रहा इस लड़की का, बताओ पीछे बैच में आ रही है दिक्कत हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर, कोई नहीं यहां पे चलो। फायज अपना माइक ऑफ करो यार, फायज अपना माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो मेरे भाई, मैं ही करता हूं यहां से।
देखो जी, तो अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे ऐड टू डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है? क्या करना है? ऐड टू डॉक्यूमेंट करना है, ऐड टू डॉक्यूमेंट करने, हाँ यहाँ पे यस करूंगा। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू सेव द रिटर्न, डू यू वांट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस एज द डिफॉल्ट रिटर्न एड्रेस। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिटर्न एड्रेस दिए, आप कहीं रहते हो तो घर का एड्रेस तो चेंज नहीं होगा रहने का, है ना? जहां आप लेटर भेजोगे बार बार उसकी एड्रेस चेंज होगी। मतलब किसी, मान लो किसी और को दिया, कल किसी और को लेटर दिया, बट जो रिटर्निंग एड्रेस होगी, जो आपका घर का एड्रेस है, वो चेंज नहीं होगा। इसलिए आपसे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस एज द डिफॉल्ट रिटर्न एड्रेस। अगर आप चाहते हो तो यस करो, अदरवाइज नो करो, ठीक है? चलो यस सर। मैंने यस कर दिया यहां से। जैसे मैंने यस किया तो देखो यहां पे ऑप्शन आ गया आपका, राइट? यहां पे ऊपर में आया फ्रॉम करियर कंपेनी इंस्टीट्यूट, जहां से मैं भेज रहा हूं। नीचे में दिख रहा टू करियर कंपेनी इंस्टीट्यूट छतरपुर, हाँ या ना? तो इस तरह से पूरा डिटेल आपका यहां पर आ चुका है। सृष्टि, समझ में आया? थोड़ा 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 लेट क्यों है तुम्हारा जितना? अच्छा, स्कूल की क्लास चल रही है क्या? क्या 4:15 क्या लगी आपको? मुझे लगी 4:15 की क्लास। बेटा मैंने दो दो बार आपको मेल भी, मेल पे गया होगा आपका, आपका व्हाट्सएप पे दो दो बार मैंने भेजा है ना। चलो कोई बात नहीं, दोबारा इस पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा कल तक आपको, ठीक है? और रात के बाद रिकॉर्डिंग सारा मिल जाएगा। चार बार हो गया। क्या हो गया? चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपका, ये आपका इनवेलप हो चुका है। यहाँ पे आप इनवेलप को प्रिंट आउट करके किसी को भी दे सकते हो, भेज सकते हो। ओके चलो। फैज अपना माइक ऑफ करो मेरे भाई। क्या बात है, अब सीख गया फैज ने माइक ऑफ करना, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों एक बात याद रखना, जिंदगी में कुछ चीजें कभी कभी और पहली बार ही होती हैं, तो घबराने का नहीं। मेरे साथ पहली बार हुआ है। हाँ तो सबके साथ पहली बार भी बहुत सारे बच्चे हैं, तू टेंशन मत ले। चलो मोबाइल ऐप को बैठा होगा। चलो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये इनवेलप सबको आ गया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार फटाफट स्पीड्स में कर देता हूँ। ओके डोंट वरी, मैं स्पीड में कर रहा हूँ। मैं मेलिंग पर जाऊंगा, एनवेलप पे गया। यहाँ पे दो एड्रेस आ रहा है आपका, डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस, है ना? दो तरह का एड्रेस है आपका। डिलीवरी एड्रेस का मतलब जहां पे मुझे लेटर भेजना हो, और रिटर्न का एड्रेस का मतलब जहां से मैं लेटर भेज रहा हूं। तो जहां भेजना है उसका एड्रेस लिख लेंगे फटाफट, जैसे टू, है ना, लिखना मिस्टर मिस्टर श्याम लाल अग्रवाल, अग्रवाल है ना, यहाँ पे लिखा मैंने 88A। हाँ शो हो रहा है, तुम्हारा नेटवर्क चेक करो अपना, मेरा शो हो रहा है, चल रहा है मेरा सही, मैं मोबाइल पे भी चेक कर रहा हूँ ना, शो नहीं करेगा, मैं खुद नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा सर। बेटा मेरा चल रहा है क्योंकि मैं मोबाइल पे साथ साथ एक्टिवेट कर रखा हूँ। शो कर रहा है? देखा तुम लोग, नेटवर्क का इश्यू है, कोई बात नहीं, घबराओ मत, ठीक है? हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो मिस्टर श्यामलाल अग्रवाल 88A फर्स्ट फ्लोर मेन रोड आया नगर नियर एमसीडी स्कूल, इस तो मैंने एड्रेस लिख लिया, राइट? न्यू दिल्ली छतरपुर, छोड़िए आया नगर तो लिख लिया, अब क्या लिखूंगा, दिल्ली 110047। और यहाँ पे प्रिंट नहीं करना, प्रिंट आउट अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो हम प्रिंट कर देंगे,
और नहीं तो क्या करेंगे, ऐड टू डॉक्यूमेंट, तो ऐड टू डॉक्यूमेंट भी कर लेंगे। मैं किस तरह से क्लासेस ले रहा हूँ आपको, अभी मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप लोग मोबाइल का वर्जन सेम टू सेम ऐसे ही बना लो। मैं अभी आपको व्हाट्सअप शेयर कर रहा हूँ सबको कि किस तरह से मैं क्लास ले रहा हूँ, किस तरह से अपने मोबाइल को स्क्रीन ले रखा हूँ ताकि आप भी उससे देख सको और सीख सको। मैं एक मोबाइल लेता हूँ यहाँ पर, हेलो हेलो यस सर, हेलो जी सर जी, जी सर, हेलो सर, आई एम टेकिंग क्लास, कैन यू कॉल आफ्टर सम टाइम, ओके। वो कॉल आ गई थी बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ अभी, किस तरह से आपको मोबाइल रखना है वो देखो सीखो पहले। मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया लड़कियों वाले ग्रुप में, अब लड़कों वाले में सेंड कर रहा हूँ मैं। मैंने किस तरह से मोबाइल को रखा हुआ है जूम करके ताकि मुझे सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है यहाँ से, आप लोग भी करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तरीके सीख पाओगे। अरे अभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत, चलो ठीक है बाद में देख लेना वरना तुम्हें दिक्कत हो जाएगा फिर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। यहाँ पे बात करते हैं फिर से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड टू डॉक्यूमेंट कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा, ऐड टू डॉक्यूमेंट, तो ऐड टू डॉक्यूमेंट करता हूँ, तो यहाँ पे फिर से क्या आ गया, ये चीज जहां मुझे लेटर भेजना हो वहां का एड्रेस नीचे लिखा हुआ है टू श्यामलाल अग्रवाल, ऊपर में लिखा हुआ है फ्रॉम, है ना, जहां से मैं भेज रहा हूं, ये दोनों चीजें यहां पर आ चुकी हैं, ओके ओके। सृष्टि अब क्लियर होगा आपको, सृष्टि या तो चैट कीजिए या तो मेरे को बता दीजिए, ओके ठीक है। तो अभी इसको प्रैक्टिस करोगे आप लोग, तब तक मैं कुछ और टॉपिक बता रहा हूं आपको इसके अलावा। कल मैंने इंडेक्स बताया था, इंडेक्स कर लिया था सबने, ठीक है, जिनका इंडेक्स छूटा हुआ है मैं क्लास 6 बजे मेरा एंड होगा डिजिटल मार्केटिंग का, उसके बाद ज्वाइन कर लेना, मैं बता दूंगा इंडेक्स जिनका छूटा हुआ है, ओके। चलो आप क्या 6 बजे के बाद होगी क्लास, वो 6 बजे के बाद होगी, जो इंडेक्स जो एक्स्ट्रा क्लास लेना है तो, ठीक है चलो। मेलिंग हो गया, मेलिंग समझ में आ गई आप सबको, अभी प्रैक्टिस करोगे मैं आगे बता दूं, ठीक है जी। चलो आगे देखो, यहाँ पे कुछ और नया चीज बताता हूँ मैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा और इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान देने वाली बात होगी, ध्यान देनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे जैसे एनवेलप आपने देखा, अभी एक चीज नोटिस करो, लिखा हुआ है स्टार्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रिसिपियंट्स, है ना, यहाँ पे मेलिंग वाले टैब पे हूँ, दिक्कत हो रहा तो जूम कर लो आप लोग, जूम करके बड़ा दिखेगा आपको, है ना, यहाँ पे मेल मेल यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट रिसिपियंट्स लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे अगर नोटिस करोगे तो पता चलेगा कि ये एडिट रिसिपिएंट लिस्ट है, हाईलाइट मर्ज फील्ड है, एड्रेस ब्लॉक है, ग्रीटिंग है, इंसर्ट मर्ज फील्ड है, ये सारे के सारे क्या है, डिजेबल है। क्यों है डिजेबल कोई बताएगा मुझे, इनेबल क्यों नहीं है, हाँ जी इनेबल क्यों नहीं है कोई बताएगा, कोई नहीं बताएगा भाई, सब उस्ताद है भाई, नहीं नहीं क्या नहीं, नहीं पता, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरी आवाज पहले अच्छी थी या अच्छी है बताओ मुझे, तुम पहले अच्छी आ रही है, अब अच्छी आ रही है, मैंने माइक लगाना भूल गया था।
बिना माइक के पढ़ा रहा था मैं, डेस्कटॉप के माइक से पढ़ा रहा था गलती से। चलो आगे बता देता हूँ मैं इसमें, देखो यहाँ समझना है वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यहाँ पे सारे के सारे आपको हाइलाइटेड्स हैं, एड्रेस ब्लॉक है, ग्रीटिंग्स हैं, इंसर्ट मर्ज है, ये सारे के सारे क्या हैं, डिजेबल हो चुके हैं। इसको इनेबल करना है, तो इनेबल किस तरह से करना है, तो अपने आप होगा। बोलोगे सर अपने आप कैसे होगा, है ना, तो अपने आप किस तरह से करना है वो भी देखेंगे हम। चलो तो यहां पर क्या करोगे, सबसे पहले आपको दिख रहा है वहां पे सेलेक्ट रिसिपिएंट्स, कर्सर को देखो, सेलेक्ट रिसिपिएंट्स, यहां पर बोला जा रहा है तीन चीज, टैप न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सॉरी चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, राइट। तो आपको क्या करना है, टाइप अ न्यू लिस्ट लेना है, क्या लेना है, टाइप अ न्यू लिस्ट, इस पर क्लिक करनी है। आप लोग कॉपी पे लिखते रहोगे या हैंड जिसका पास कंप्यूटर लैपटॉप है वो करते रहोगे, ठीक है। यहां पे आगे देखो कुछ चीजें आ रही है, यहाँ पे न्यू एड्रेस लिस्ट वगैरह वगैरह है ना, इसको मैं पहले बार डिलीट करता हूँ। सर मुझे कुछ सीन नहीं हो रहा। सीन नहीं हो रहा है? नहीं कुछ भी नहीं। एक मिनट बेटा, मेरा तो चल रहा है, तो मैं नेटवर्क दोबारा इशू करो, दोबारा ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है अगर प्रॉब्लम हो रही तो, ठीक है। आवाज रुक रुक क्या रही है, एक मिनट अब नहीं आएगी, टेंशन मत लो, अब नहीं आएगी, रुक रुक के, ठीक है, आप सही आएगी। ओह फैज अपना माइक ऑफ करो मेरे भाई। चलो देखो यहां पे ध्यान से नोट करते रहना, सिलेक्ट रिसिपिएंट्स पे जाऊंगा मैं, टाइप अ न्यू लिस्ट करूंगा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, टाइटल है ना, तो टाइटल में क्या लिखना है मुझे, जहां पे नाम देना है, टाइटल में क्या, एज ए मैं लिखता हूं यहां पर मानव डायरेक्टर, नाम में फर्स्ट नाम लिखा मैंने, अपना ही नाम लिख लेता हूं, करियर कंपनी, देखो और भी आगे इस तरह से जितना लिखते जाओगे, जितना आप लिखते जाओगे आगे आप चलते जाओगे, इसके लिए आप स्क्रॉल यहां से कर सकते हो, कर्सर वन बाय वन करके लिख सकते हो, या फिर टैब प्रेस करोगे, क्या प्रेस करोगे, टैब प्रेस करोगे तो भी आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आय नगर लिखा मैंने, एड्रेस लाइन टू है, देन सिटी है, सिटी में क्या डालूंगा, न्यू दिल्ली, स्टेट में क्या होगा, स्टेट में डाल देता हूं दिल्ली, 110047, कंट्री में करेंगे इंडिया, होम पेज दूसरा लिखता हूं। मैं कर क्या रहा हूं यहां पर, जितने भी हमारे यहां पर इम्प्लॉय होंगे या जो भी हमारा कस्टमर होगा उन सबका डाटाबेस रिपोर्ट को मुझे मेंटेन करना है। एक्चुअल मैं कर क्या रहा हूं यूज मेल मर्ज का, इसका मतलब ये हुआ कि एक साथ मैं बहुत सारे लोगों का लेटर लिखना है, जैसे कि मान लो कि आप जैसे अपने बैंक में बचपन में देखा होगा, मैं थोड़ा सा वीडियो ऑन कर रहा हूं ताकि मैं इसको ब्रीफ में समझा सकूं, स्टॉप करके, आपने देखा होगा बचपन में कि आपके घर पे लेटर आया करता था बैंक से या कोई संस्था से, उसमें लिखा था कि डियर सर और मैडम, ओके, वहां पे लिखा होता नाइस टू टॉक टू, मतलब कुछ उसमें लेटर लिखा रहता था, और मुझे ऐसा लगता था बचपन में कि बहुत
कितना कस्टमर का ध्यान रखता है ये लोग, सबको पर्सनली वन बाय वन लेटर लिखता है ये। लेकिन बाद में मुझे पता चला जब मैं खुद भी एमएस वर्ड के बारे में नॉलेज हुआ तो ये पता चला कि यार ये लोग खुद से लेटर नहीं लिखते इन लोगों को। ये लोग करते क्या है कि हर कस्टमर का इनके पास डाटाबेस होता है, सारे कस्टमर जितने भी कस्टमर हैं सारे कस्टमर का इनके पास डाटाबेस होता है और वो डाटाबेस इन लोग को रिकॉर्ड बना के रखते हैं। जब इनको लेटर लिखना होता है, कुछ भेजना होता है, तो हर लोगों को एक तरह का लेटर टाइप करते हैं और एक तरह का लेटर टाइप करके लेकिन सबका नाम और एड्रेस जो उन्होंने डाटाबेस बना के रखा है, जो मैं भी कर रहा था, उसके थ्रू वो भेज देते हैं, राइट। तो यही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे अटेंशन देना। तो मैंने सिर्फ एक कस्टमर का डाटाबेस को तैयार किया है, तो कम से कम यहाँ पर हम 5 कस्टमर का डाटाबेस को तैयार करेंगे। तभी मैंने एक बनाया है, 4 और बनाऊंगा। चलिए 4 बनाते हैं। देखो पहला मैंने लिख चुका हूं यहां पर, है ना, टाइटल में डायरेक्टर लिखा, फर्स्ट नेम में मैंने लिखा नरेंद्र लिखा, लास्ट नेम में ठाकुर लिखा। तो ये पूरा है। तुम मान लो कि हमारे यहाँ पे कोई मैनेजर है, भाई डेस्कटॉप शो करेगा, थोड़ा वेट कर मेरे भाई, आएगा नीचे आएगा, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैनेजर मैंने, आलोक कुमार या आलोक कुमार है, कहाँ रहता है, साकेत है ये, ठीक है, और उसका एड्रेस है छतरपुर। देखो मैं आगे बढ़ने के लिए 2-3 तरीका, या तो मैं टैब प्रेस करूं, कीबोर्ड से टैब प्रेस कर रहा हूं मैं, तो टैब प्रेस करने से आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर भी न्यू दिल्ली लिख देता हूं, फिर यहां पर दिल्ली 1100, पता नहीं वहां का पिन कोड क्या, आई डोंट नो, मैं अंदाजे से लिख रहा हूं, ठीक है। इंडिया, उसका फोन नंबर वगैरह लिख सकते हो, या फिर मान लो कोई ट्रेनर है, सोनू सिंह रावत या सोनू सिंह महेंद्र, है ना, सॉरी महेंद्र, महेंद्र कंपनी नेम है महेंद्र प्राइवेट लिमिटेड, महेंद्र प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद है एड्रेस में मान लो साकेत है, और यहाँ पे कहीं भी इसका पिन कोड कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और डिटेल हम डाल देते हैं, अंजलि यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, बस अभी तक क्या किया, बीच बीच में वीडियो स्टॉप हो रही है, बच्चा मैंने वीडियो स्टॉप तो किया था ना, ताकि मेरा फेस देख सको आप लोग, है ना, जो मैं बीच में बताया आपको। कोई बात नहीं, इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम होगा तो दोबारा बता दूंगा। अब सही से आ रही वॉइस मेरी, ओके डन। आगे से नेटवर्क इश्यू नहीं होगा, पता चल गया ना। शिवम ऑन आ जाओ, लाइन पे आ जाओ, वीडियो आ गया होगा, लिंक आ गया होगा ना, लिंक पे क्लिक कर लो। बच्चों क्लास दे रहा हूँ, 10 मिनट बाद ज्वाइन करता हूँ तुम्हें, ठीक है। चलिए अब पूरा स्क्रीन दिख रहा होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, आवाज भी मेरी आ रही होगी, स्क्रीन भी दिख रहा होगा, है ना, सब यस बोल रहे हैं।
ओके गुड। पता है सबसे बड़ी बात क्या है, समस्या को समस्या बताना सबसे बड़ी समस्या है। क्या बोला मैंने? समस्या को समस्या बताना सबसे बड़ी समस्या है। तो समस्या आप ये सोचो कि उसका समाधान क्या है। मैंने ढूंढा भाई क्या दिक्कत हो गया, देखा कि उसका डाटा पैक खत्म हो गया जियो वाले का, और जो मेरा वोडाफोन चलता है उसका नेटवर्क इशू आ रहा है। तो मैंने बोला 21 का रिचार्ज किया, काम हो गया हमारा, क्लास नहीं रुका आप लोग का। ठीक है, चलिए। जैसे मैंने बताया आप सबको, यहाँ पे मैं डायरेक्टर लिखा, मैनेजर लिखा, ट्रेनर लिखा, है ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें पूरा का पूरा लिख दिया। एक नाम और लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, मान लो मैं लिख दिया कोऑर्डिनेटर या रिसेप्शनिस्ट। कोऑर्डिनेटर में नाम देता हूँ मैं, किसका दे दूँ, नाम देता हूँ सृष्टि, सृष्टि का नाम दे दूँ, सृष्टि, सृष्टि क्या है पूरा नाम पता नहीं मुझे, तो मैं कुमारी कर देता हूँ मैं। और ये कंपनी कौन सा कंपनी में काम करती है, ये तो ABC कंपनी में, कहाँ रहती है तो छतरपुर, नहीं नहीं मांडी रहती है। कहाँ रहती हो सृष्टि तुम? कहाँ बताया? अच्छा छतरपुर ही डाल देता हूँ। ओके तो इस तरह से मैंने मान लो डाल दी, यहाँ पे न्यू दिल्ली भी कर देता हूँ मैं, दिल्ली, और यहाँ पे 110047 समथिंग लाइक दैट इंडिया। ओके अब ध्यान से देखने वाली क्या बात है, इसको ध्यान से देख लो आप लोग कि किस तरह से एंट्री किया मैंने। फिर भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो आगे चलकर। ओके तो अब यहां पे मैं ओके करूंगा। जैसे ध्यान दो सारे के सारे बच्चे इस बात को, जैसे मैं इस ओके वाले बटन को यहां पे करूंगा, ये सारे जितने भी डिजेबल है ना, जैसे कि इंसर्ट मेल, ग्रीटिंग लाइन, ये सारे, या एडिटिंग रिसिपिएंट लिस्ट, सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि इनेबल हो जाएंगे। मैं इसे ओके कर रहा हूं। जैसे ओके किया तो पूछा जा रहा आपसे कि नाम बताओ भाई, जो डाटा बनाए हो यहाँ पे, जो डाटा बनाए हो इससे बोला सेव करने के लिए। तो यहाँ नाम लिखूंगा, नाम दे देता हूँ मैं डेटा, DATA, है ना, कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डाटा रखना। मैंने लिखा EMP डाटा, EMP डेटा 2021-22, है ना, और यहाँ पे मैंने क्या किया तो सेव कर दिया। जैसे सेव किया अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सारा आपका इनेबल आ चुका है ना, पहले जो चीज आपका डिजेबल था सारा का सारा इनेबल आ चुका है। यहाँ पे देखो एडिट रिसिपिएंट्स लिस्ट है ना, अगर सबको ये बात क्लियर हो गई है तो सब हाँ में जवाब दे दो, यस सर बोल दो। ये चीज यहां तक सबको अगर क्लियर हो चुकी है तो सृष्टि कम है वो बोलना नहीं पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी आवाज गुम हो चुकी थी। मैसेज टाइप कर दो ताकि मुझे समझ में आ जाए, मैं आवाज, यस सर ठीक है, ऐसे ही टाइप कर दिया करो। फैज, गौरव, ओके बहुत बढ़िया, और कौन है इसके अंदर, अंजलि, अंजलि है या नहीं है इसमें? इसलिए अंजलि बाहर निकल चुकी है। ठीक है, ओके ठीक, कोई बात नहीं, स्टे ऑन बोला था रहने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या समझना, मैंने किया तो सही बट क्यों किया, इसको समझो आप लोग। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू RAND, देखो लेटर लिखना है तो लेटर या तो टाइप कर लो बहुत अच्छा सा लेटर, मेरे पास नेट कनेक्टेड है, मैं एक लेटर उठा लेता हूँ, अगर आपके पास नेट होगा तो आप भी कर सकते हो ऐसे लेटर। किसको
एडिटर या प्रिंसिपल तो बचपन से लिखते हैं, प्रिंसिपल को नहीं लिखेंगे, लेटर टू डियर फ्रेंड, लेटर टू डियर फ्रेंड यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है, और कुछ ऐसा लिख लिया मैंने। यहाँ पर देखो लेटर लिखा गया है ना, तो इस तरह का लेटर आप, मैं चलो यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही, थोड़ा सा आप चाहो तो टाइप कर सकते हो, इतना टाइम नहीं इसलिए मैं टाइप कर नहीं रहा हूँ, कॉपी कर लिया और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया, लेटर आ गया जी। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, बैंक में जो लेटर आता था कुछ इस तरह का लेटर बनकर हमारे सामने आता था। अब बैंक वाला क्या करता था समझना पड़ेगा, यहाँ पे बैंक वाले क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फिल्टर है, तो यहाँ पे टाइटल सबसे पहले किसी के पास लेटर जाएगा तो वहां पे उसका पोजीशन क्या है ना, मैनेजर है या कोई गवर्नर है या फिर मान लो कोई किसी पद पर हो, जो उसका पद यानी पोस्ट हो, उस पोस्ट के यानी टाइटल में आ जाएगा उसका। ओके, देन प्रेस करूंगा मैं एंटर, प्रेस करूंगा, देन ऊपर लिखूंगा फर्स्ट नेम, ओके स्पेस लास्ट नेम, देन अगेन एंटर, कंपनी नेम, देन अगेन एंटर, एड्रेस लाइन वन, ठीक है, देन अगेन एंटर, एड्रेस लाइन टू तो लिखा नहीं था मैंने, यहां पे सिटी कर देंगे, क्या कर देंगे सिटी। ओके, तो ये आपका काम हो रहा है। उसके बाद सिटी के बाद क्या करेंगे, मान लो स्टेट था ना, स्टेट लिख लिया मैंने, देन अगेन इंटर, जिप कोड यानी पिन कोड जो होगा, देन आफ्टर कंट्री और रीजन, देन आफ्टर होम, होम फोन तो लिया नहीं था मैंने, फोन नंबर नहीं लिया था, कंट्री बस, उसके बाद क्या था, कुछ नहीं था मेरा, फोन नंबर तो लिया नहीं था, ये सारी चीजें आ गई। अब ध्यान से देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, हमने लेटर लिख लिया और ये लिख लिया, बोला सर ये क्यों किया, तो अभी पता चलेगा मैंने ऐसा क्यों किया। अब आपने को क्या करना है, यहां पर एक ही चीज काम करना, फिनिश एंड मर्ज, क्या करना है, फिनिश एंड मर्ज, फिनिश एंड मर्ज पे मैं यहां पे पहले बताओ, सबका कोई डाउट है तो नो लिखो, डाउट है तो यस करो, डाउट वाले यस करेंगे मैं उनको रिपीट करूंगा, वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, पहले चैट में ही लिखो क्योंकि या फिर दिक्कत होगा, जिनको डाउट है मतलब सबका क्लियर है इसका मतलब है ना, चलो फिर ठीक, अच्छी बात है। यहां पे फिनिश एंड मर्ज करना है मुझे, इतना होने के बाद अभी जो आप देख रहे हो सिंगल पेज है, मतलब एमएस वर्ड का सिर्फ सिर्फ एक ही पेज हमारे सामने खुला हुआ है, राइट। अब मुझे क्या करना है, मान लो कि मुझे चाहिए कि जितने भी लोगों को, नो डाउट सर, अरे सर का मतलब नहीं समझेगा, सर का मतलब क्या, डाउट या नो डाउट, कुछ तो लिखो, चल बढ़िया। मैं यहां पे फिनिश एंड, देखो यहां ध्यान से, अब लास्ट एक्शन बचा हुआ है, इस एक्शन को ध्यान से समझो, यहां पे करूंगा फिनिश एंड मर्ज, है ना, फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करूंगा, और यहां पे तीन चीजें हैं, क्या क्या है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट और सेंड ईमेल मैसेजेस। तो आपको क्लिक करना है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे, इस पर क्लिक करेंगे हम, और यहां पे क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे, मर्ज रिकॉर्ड ऑल करंट रिकॉर्ड या फ्रॉम कितना से कितना तक, मैं इसे करूंगा ओके। ध्यान से देखना, जैसे मैंने ओके किया तो कुछ नया सा आपके सामने स्क्रीन आ चुका होगा, और इसे मैं मैक्सिमाइज करना चाहूंगा और बड़ा कर दिया ये लोग, ठीक है। अब देखो मैंने एक लेटर लिखा था नरेंद्र ठाकुर को, जो फाउंडर है डायरेक्टर नरेंद्र करे कंपनी, उनके नीचे वो लेटर हो गया। दूसरा हम देखो एक मैनेजर है आलोक कुमार, इनको भी लेटर लिख चुके हैं। थर्ड नंबर पे आ रहा है ट्रेनर है सोनू सिंह, है ना, कोऑर्डिनेटर है सृष्टि कुमारी एबीसी, ये पूरा का पूरा आ चुका। देखो नीचे में एक स्पेस खाली रखा था तो डियर बेस्ट फ्रेंड, उसमें कुछ आया नहीं। तो कितने पेज हो गए, अब सबको बनकर आ गया, मुझे सबको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब क्या करना, प्रिंट आउट करूंगा सबका, और वन बाय वन, या तो मेल पे भी अटैच करके दे सकते हैं सबको,
या फिर नहीं तो प्रिंट आउट करके भी एनवेलप पे सबको अलग अलग भेज सकते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन है आप सबसे। मैं यहाँ पे अपने वीडियो मोड पे आ रहा हूँ, स्क्रीन को ऑफ करके थोड़ा सा स्क्रीन रहने देता हूँ, मैं वीडियो मोड पे आ रहा हूँ थोड़ा सा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि एक बात बताओ जी, कि ये जो हमने किया, हमें जो अभी मेल मर्ज क्यों किया हमने ऐसा इस तरह से, अगर उसी एड्रेस से लिखना था मुझे तो एड्रेस को तो मैं नॉर्मली क्या कर सकता था, नॉर्मली तरीके से अगर एड्रेस लिखना था हमें तो, नॉर्मली तरीके से एड्रेस को क्या कर सकते थे कि आराम से मैं लिख सकता, तो कोई इसमें इशू नहीं था, है ना, इतना तामझाम करने का कोई मतलब नहीं बना था। तो ऐसा मैंने क्यों किया, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको बताऊंगा ऐसा हमने क्यों किया, ठीक है। थोड़ा आज इसका सोचना कि सर ने इस तरह से क्यों किया, है ना, और भी तो कर सकते थे, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इस तरह इतना लंबा बताने का मतलब क्या था, लेटर लिखना था पांच लोगों को, कॉपी पेस्ट कर देता तो टाइम सेव हो जाता, उतना ही टाइम लगता। तो ऐसा मैंने कुछ रीजन वजह से किया है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपके लिए होमवर्क है। ओके, अब इसमें बता दो, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ कि हाँ सर ये डाउट है, तो फिर मैं आगे बात करूं। ये जो मैंने आपको बता रखा है अभी, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इसमें कि ये चीज समझ, देखो दो स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पर, अगर समझोगे तो दो, एक तो ये हमने बनाया था इस पे, और उसके बाद हमने फिनिश एंड मर्ज किया था, तो उसके बाद ये वाला स्क्रीन आ चुका था हमारे सामने, ठीक है, जिसमें वो सारे लेटर हैं जितना मैंने बनाया, राइट। आप किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो वन बाय वन मुझे बताओ आप लोग कि हाँ सर ये दिक्कत हो रही है, तो मुझे आप बताओ, मुझे वन बाय वन। वन बाय वन में बताइए मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप चैट करके बता दो, हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे चैट ऑप्शन खुला हुआ है, आप लोग बोलने की कोशिश मत करो, मेरे पास स्पीकर नहीं है, स्पीकर का चार्ज खत्म हो गया इसलिए रखा हुआ है, आप लोग चैट करो, आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं आप किसी का, कल सारा जुगाड़ करूंगा। नो डाउट सर, यस सर, यस सर, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। फैज तुम भी लिख दो अपना, फैज नो डाउट सर, सिस्टी भी बहुत बढ़िया। आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, है ना, जहां पे कोई दिक्कत आ रही, नोट सर टॉपिक क्या क्या नाम था, अरे टॉपिक का नाम था मेरे भाई मेल मर्ज, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझ लो सारे के सारे, ठीक है सर, अभी तो नहीं प्रैक्टिस करूंगा, जब होगा तो पूछ लूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ भी डाउट हो रहा तो आप पूछ सकते हो कि सर ये चीज नहीं आ रही, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें बता दिया जाएगा आपको, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, नहीं यहाँ पे अब एक दो चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से, फिर मैं इसको स्टॉप करूंगा, मैंने इसको